लेकर सुबह सपा अध्यक्ष पर आरोप लगाकर पार्टी छोड़ने वाले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र राजभर को बाहुबली के खिलाफ मऊ सदर सीट से चुनाव लड़ाने के लिए गाजीपुर के जहूराबाद विधायक ओम प्रकाश राजभर ने अपनों से भी बैर कर लिया था। तमाम दांव पेच के बीच उन्होंने एक सामान्य कार्यकर्ता महेंद्र राजभर को विधानसभा चुनाव में न सिर्फ टिकट दिया था बल्कि पूरा चुनाव का प्रबंधन संभाला था। यह दीगर बात है कि वह उस चुनाव में मुख्तार से हार गए थे। वर्ष 2017 में भाजपा सुभा सपा गठबंधन से सुभा सपा ने मऊ सदर से मुख्तार अंसारी के खिलाफ एक सामान्य कार्यकर्ता महेंद्र राजभर को मैदान में उतारा था। तब सुभा सपा अध्यक्ष ने सीट पर चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रभावशाली लोगों को टिकट देने से न सिर्फ मना कर दिया था बल्कि खुद के खर्चे से महेंद्र को चुनाव लड़वाया था। गाड़ी से लेकर प्रचार तक पूरे चुनाव का प्रबंधन भी खुद ही संभाला था। उस समय तमाम लोग सुभा सपा भाजपा गठबंधन से चुनाव लड़ने के दावेदार भी थे। हालांकि चुनाव में उन्हें करीब 6000 वोटों से मुख्तार अंसारी से हार का मुंह देखना पड़ा था। महेंद्र राजभर को चुनाव लड़ाने से उनके अपने भी नाराज हो गए थे। महेंद्र चौहान रतनपुरा मऊ के रहने वाले हैं। सुभा सपा के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर का कहना है कि महेंद्र राजभर को गांव से उठाकर सुभा सपा ने पहचान दिलाई, टिकट देकर चुनाव लड़ाया। हमने कार्यकर्ता का सम्मान किया था। उस चुनाव में प्रचार करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के सबसे भरोसेमंद कद्दावर और संस्थापक नेताओं में शुमार तथा कार्यवाहक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र राजभर ने सोमवार को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को सभी पदों से इस्तीफा सौंप दिया। यह वही महेंद्र राजभर हैं जिन्होंने वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में मऊ सदर सीट से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ भाजपा व सुभा सपा गठबंधन की ओर से सुभा सपा प्रत्याशी के रूप में ताल ठोका था। विधानसभा चुनाव के दौरान ही प्रचार में मऊ आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से महेंद्र को कटप्पा कहकर संबोधित किया था और यह भी कहा था कि कटप्पा ही बाहुबली को मारेगा।